रेसिपी टमाटो केचप की आप रमजान में घर में रमजान आने से पहले ही घर में तैयार कीजिए बच्चों के लिए साफ सुथरी महंगाई के दौर में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ले लिया स्टील की ही देगची लेंगे हम, और ये जो हमने पल्स निकाल लिया था टमाटो का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हाफ डाल रही हूँ 1 किलो का, ठीक है, हाफ में बचा रही हूँ। स्टार्ट हो चुका है, अब हम इसको बॉईल कर रहे हैं, मतलब इसका जितना भी एक्सेस पानी है ना उसको हमने ड्राई करना है हल्की आंच पे। ठीक है, इसको 10 से 15 मिनट अभी हम इसे पकाएंगे। ठीक है, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड होंगी। दस मिनट हो गए पकते हुए, ये काफ़ी थिक हो गया है, आप चम्मच हिलाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो अब इसमें मैं आधा कप चीनी ऐड करूँगी, ठीक है, हाथ रोक के। साथ में ही मैं इसके थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करूँगी, ठीक है, आधी चाय की चम्मच से भी कम मैं थोड़ा सा, और इसी तरह आधी चाय से भी कम नमक ऐड करूँगी। ठीक है, और एंड में बिल्कुल जाएगा इसके एक और चीज़ को, तो कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी और इसको दोबारा से हमें थिक करना है। क्योंकि ये इसमें मिक्स और नमक मिर्च भी इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच सिरका। ठीक है, मुझे अंदाज़ा है तो मैं इसलिए उस हिसाब से ऐड कर रही हूँ। यही इसका ख़ास था जो इसमें जाएगा। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट बनाऊंगी, आप लोग जितना थिक रखना चाहेंगी केचप के टमाटो केचप उसी पे जाके आपने स्टॉप कर देना है। तो और इसको प्रेजेंटेशन करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, मुझे थिक चाहिए। कि अभी आप इसकी चेक भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और इसका टेस्ट कर लिया, बड़ा मज़े का है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा कम है, तो सिरकों को मैंने इसीलिए रोका था कि मैं टेस्ट करूँ, तो इसलिए अभी मैं 5 से 6 चम्मच और डालूँगी। तकरीबन ये आधी प्याली के करीब सिरका जा चुका है। आज फिर मैं बहुत अच्छे से इसको पका रही हूँ, अभी भी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी 5 से 10 मिनट। तो ये देखें थिक होती जा रही है, ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, डिटेल भी इसीलिए दे रही हूँ। मेरे हिसाब से ना बिल्कुल डन हो चुका है, ठीक है, जितना मुझे थिक चाहिए। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया मेरे हिसाब से, तो अब मैं इसको कंटेनर में निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने ये रमज़ान के लिए बनाई है, तो मैं इसको अभी रखूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी टमाटो केचप हमारी रेडी हो चुकी है रमज़ान के लिए, तो मैं इसको कर दूँगी बंद ठंडा करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।